हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस यूट्यूब चैनल वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डोमेन सर्वर से जब हम यूजर्स को कनेक्ट कर देते हैं, यूजर को इंपोर्ट कर देते हैं या डोमेन सर्वर से यूजर को सिंक कर देते हैं, तो कैसे हम इस डोमेन यूजर को पॉलिसी अप्लाई करते हैं। आज उस टॉपिक पर मैंने वीडियो लेके आया है। तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार से मैंने डोमेन सर्वर को अपने सोफोस एक्जी फायरवॉल वर्जन 18 से कनेक्ट किया था, मतलब सिंक्रोनाइज कर दिया, माइग्रेट कर दिया। अब उसमें जो यूजर्स रहते हैं, जो एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूजर्स हैं, उनको कैसे हमको पॉलिसी अप्लाई करना है या ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है, उस टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो है। तो देरी ना करते हुए चलो शुरू करते हैं चैनल वीडियो को। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने फायरवॉल में लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, क्योंकि सारा काम अगर यूजर के नाम लिया जाए तो सारा सब कुछ ऑथेंटिकेशन में ही होता है। तो ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक कर दिए हैं। थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स है गाइस, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है। तो यहाँ पे हमने डोमेन सर्वर का लास्ट वीडियो में जैसे हमने बताया कि हमने डोमेन सर्वर ऐड कर दिया है, और डोमेन सर्वर ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर हम किसी को मतलब अप्लाई करना है, परमिशन करना, तो मैं एक छोटा सी स्टेप्स यहाँ पे मेरा मिस हो गया, जो मैं आपको यहाँ पे कुछ बता दूँ, फिर मैं कैसे ऑथेंटिकेशन इनेबल करते हैं मैं वो चीज़ पे जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे सारे यूजर्स को इंपोर्ट कर लिया है। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया कि सारे यूजर को मैंने सिंक कर लिया था, तो सारे यूजर्स मेरे यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं लास्ट वीडियो देखिए, OUHR, OUIT, ये सारे यूजर्स जो हैं मेरे इसमें आ गए हैं। तो मैं एक एक करके मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा कि जो मैंने बता रहा हूँ वो प्रॉपर है या नहीं है, जब मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर मैं हमको कहीं भी किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को अपने फायरवॉल से इंटीग्रेट करने के बाद अगर कोई पॉलिसी या कोई ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है, तो उससे पहले सबसे पहले हमको सर्विसेज में जाना पड़ता है, उसकी सर्विस को चेक करना पड़ता है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ लोकल लिया, लोकल मतलब सोफोस फायरवॉल का है। अब हमको डोमेन सर्वर का लेना है, तो हमको यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करना पड़ेगा और इसको जस्ट कर देना पड़ेगा अप्लाई एंड ओके। अब क्या होगा कि अब जो हम पॉलिसी बनाएंगे, ये डोमेन सर्वर का भी लेगा, लोकल का भी लेगा, दोनों का लेगा। यहाँ पे बता, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन सेटिंग हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसमें क्या हुआ कि अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी यूजर्स हैं, उनका डेटा हमारे फायरवॉल में आ चुका है। अब हम कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे, तो उसमें हम अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से लॉग इन करेंगे तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा। तो इसमें हमने यहाँ पे यूजर पोर्टल ऑथेंटिकेशन मेथड लिया है। हम यूजर पोर्टल ऑथेंटिकेशन भी चेक करके दिखाने वाले हैं, और यहाँ पे हम फायरवॉल ऑथेंटिकेशन मेथड भी चेक करके दिखाने वाले हैं। तो दोनों में से एक एक करके मैं दिखाऊंगा। और मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊँ तो VPN है। VPN मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा VPN ऑथेंटिकेशन हम कैसे करते हैं। इस वीडियो में नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा गाइस। तो सबसे पहले मैं अपने डोमेन सर्वर में आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किन यूजर्स को मैं लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मेरा डोमेन सर्वर है। डोमेन सर्वर में मैंने अभी यहाँ पे दो यूजर्स बनाए, एक प्रिंटर यूजर्स और टेस्ट यूजर्स। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यहाँ पे एक और यूजर्स बना देता हूँ टेस्ट के लिए। यहाँ पे मैं यूजर्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम सोफोस लिख देते हैं यूजर नेम, यहाँ पे भी सोफोस लिख देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हम एक यूजर क्रिएट करें, यहाँ पे हम इसका पासवर्ड डाल देते हैं। जो हम पासवर्ड डालेंगे, यही पासवर्ड से हमको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो हमने ये पासवर्ड डाल दिया और इसको हम कर देंगे यहाँ पे मस्ट यूजर चेंज पासवर्ड की जगह हम नेवर कांट यूजर पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो ये हमने एक और यूजर बनाया जिसका नाम सोफोस है, और ये टेस्ट यूजर, तीन यूजर्स हमने बनाए हैं, और ये बनाए हमने IT डोमेन के, मतलब IT OU के अंदर हमने तीन यूजर्स बनाए हैं। इन तीन यूजर्स से मैं लॉग इन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑथेंटिकेशन, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन और वेब ऑथेंटिकेशन, तीनों कैसे हम यूज करते हैं, इस पर मैं बात करने वाला। तो मैं यहाँ पे डोमेन सर्वर को बंद करता हूँ। यहाँ पे अब हम सबसे पहले मेथड पे आ जाते हैं, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। तो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वेब ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे एक आइकॉन है, यहाँ पे आपको इनेबल करना होता है। अगर हम डिसेबल रहेगा तो यहाँ से आपको इनेबल करना होगा। और आप चाहते हैं कि आपके कोई पेज वगैरह का कस्टम करना है या चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज करते। ये मेरा एक URL है जिसमें यहाँ से मैं यहीं से लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम यूजर्स को लॉगिन कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना गाइस इसमें, जस्ट सिंपल। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा। मैं यहाँ पे सर्विसेज में वापस आ जाता हूँ, और हमने यहाँ पे सर्विसेज में, अब यहाँ पे हम बताएंगे फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। तो फायरवॉल ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हम फायरवॉल की IP डालेंगे, https://192.168.1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 .
192.135 और इंटर कर देते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे फायरवॉल ऑथेंटिकेशन मतलब फायरवॉल का एक जीयूआई ओपन होगा, जिसके अंदर हमको जो यूजर्स के हम लॉगिन कराना चाहते हैं, जो भी यूजर से चाहे डोमेन हो चाहे उसको फायरवॉल का खुद का लोकल यूजर हो उससे लॉगिन कराना चाहते, तो वहाँ पे इसका यूजर नेम टाइप करना पड़ता है। तो जैसे अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे दिखा दूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले प्रिंटर यूजर या सोफोस यूजर से मैं लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पे टाइप करूँगा सोफोस और यहाँ पे इसका पासवर्ड दे दूंगा और हम लॉगिन कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम गाइस। और जैसे ऑथेंटिकेशन होता है हमको पूरा डोमेन का ओयू वगैरह सब नाम दे देगा ये वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो उसमें हमको क्रॉस चेक हो जाएगा कि हम जो बता रहे हैं वो गलत है या सही है, क्योंकि उसमें डोमेन का नेम लिख के आता है गाइस, विदाउट डोमेन नेम वहाँ पे शो नहीं होता, तो अगर हम कोई जस्ट फेक वीडियो बनाएगा तो यहाँ पे क्रॉस चेक हो सकता है। तो अभी आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी पेज ओपन हो रहा है, यूजर पोर्टल फॉर सोफोस एट infotech.com मेरा ये डोमेन नेम आ गया है और यहाँ पे यूजर जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ यूजर गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अब एक बार एडिट कर देता हूँ इस यूजर्स को। सॉरी यहाँ पे देखिए सोफोस और इसका जो एट infotech.com ये मैंने तो यूजर बनाया है और यही यूजर हमको यहाँ पे दिख रहा है सोफोस, और हमने आईटी के अंदर बनाया था तो OUITDC-infotech.com। तो ये इस प्रकार से चलता है, यहाँ पे इस यूजर से लॉग इन हो गया आप यहाँ पे, अगर हम इस यूजर्स को फायरवॉल VPN ऑथेंटिकेशन देते हैं तो इस यूजर से आप VPN अपने डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं, जैसे VPN में इस यूजर्स को क्रिएट करते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको यूज भी कर सकते हैं। मैं दूसरा और आपको बता दूं जो मैं अभी मैंने आपको बताया फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, अब मैं दूसरा आइकॉन बताऊं आपको तो यूजर पोर्टल ऑथेंटिकेशन क्या होता है। अब यूजर पोर्टल मतलब गाइस क्या होता है कि अब आपको यहां पे का https://192.168.112.135/8090 ये यूजर पोर्टल का एड्रेस होता है। अब इस यूजर पोर्टल में आप ओपन करेंगे, अगर आप चाहते हैं कहीं पे आपके यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड से इंटरनेट चलता है, अब यहाँ पे आप क्या करें आप उस डोमेन यूजर का नाम डालेंगे, तो सोफोस मैं यहाँ पे डाल दूं सोफोस और इसका पासवर्ड डाल दूं और इसको साइन इन कर दूं, तो यहाँ पे साइन इन हमारा होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए गाइज। तो ये थोड़ा सा वेट कर रहा है, ऑथेंटिकेट हो रहा है अभी, या हो सकता है कि मैंने अभी इसके लिए पॉलिसी नहीं बनाई तो मे बी ना हो, क्योंकि मैंने अभी तक पॉलिसी बनाई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हो गया गाइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू आर साइन इन डू नॉट रिफ्रेश योर पेज, तो आ जाए सोफोस। तो इस प्रकार से गाइज आप भी कर सकते हैं, यही एक मेथड है। अब इसको पॉलिसी में कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिया किस तरह से हम डोमेन यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, मतलब एडी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को। अगर हम आपको इसमें अगर हम VPN में हम जाते हैं यहाँ पे VPN पर, हम अगर यहाँ पे क्लिक करते गाइज यहाँ पे देखिए मैं VPN पे क्लिक कर रहा हूँ। अब डोमेन यूजर्स को कैसे हम SSL VPN में अलाउ करते हैं मैं उस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे SSL VPN पे आपको आना है, ऑलरेडी हमारा यूजर नेम क्रिएट है तो हमको यूजर नेम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम यहाँ पे ऐड क्लिक कर देंगे, VPN में जाना है, SSL VPN रिमोट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे हम नाम देंगे टेस्ट VPN, टेस्ट VPN डाल दिए और हमने यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, और यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे सारे डोमेन यूजर सब आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक नाम डाल देंगे सोफोस। देखिए हमने जो यूजर यहाँ पे बनाया था जो एक्टिव डोमेन सर्वर में दिखाया था हमने वो आ गया, या यहाँ पे हम प्रिंटर डाल देते हैं, सॉरी गाइस हम यहाँ पे सोफोस यूजर्स को ही ले ले, सॉरी एक्चुअली गलत, यहाँ पे हमने सोफोस यूजर्स को ले लिया और उसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम जो भी हमको इसको मेंबर को पॉलिसी देना है वो हम यहाँ से पॉलिसी अप्लाई कर देंगे, पोर्ट ए को एक्सेस देना, हमने पोर्ट ए दे दिया, या जो भी देना आप देखिए इसको अप्लाई कर दिए। तो इस प्रकार से अब इस यूजर को हमने अप्लाई कर दिया,
अगर हमने इस यूजर्स को अप्लाई करें sophos@infoday.com को, तो अभी इस यूजर से वो यूजर्स दूसरे नेटवर्क से जाके VPN भी यूज कर सकता है, SSL VPN को उसको परमिशन मिल गई। तो इसी प्रकार से आपको एक्टिव डायरेक्टरी को अपने फायरवॉल में इंटीग्रेट करने के बाद आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी के जितने भी यूजर्स उनसे इंटरनेट भी चला सकते हैं, उनको ऑथेंटिकेशन बेस्ड भी कर सकते हैं, और यूजर URL पोर्टल से करना वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके यूजर जैसे कंप्यूटर में लॉगिन करे और आपका इंटरनेट चालू हो जाए आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है गाइस, एक और टिप्स है, उसके लिए आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, मैं वो भी आपको बता दूं कैसे बनाते हैं इंटरनेट के लिए। अगर हम आपको DNS को ये हम क्लिक कर देंगे, जिसमें इससे क्या होगा कि वो अगर हम कोई भी यूजर्स इंटरनेट में कनेक्ट करेगा तो सीधा यूजर नेम पासवर्ड का पेज ओपन होगा, जो ये वाला पेज मैंने आपको अभी ये वाला पेज आपको करके दिखाया था। तो आई थिंक मैं इस वीडियो में गाइस इतना ही कवर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम डोमेन यूजर के साथ साथ में कैसे SSL VPN को हम रियल इन्वायरमेंट में लॉगिन करके देखते हैं, या फिर इसके रिलेटेड कोई और अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मोटिव यही था कि हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के बाद कैसे हम उसको यूज करते हैं और क्या क्या यूज कर सकते हैं उस SSL एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, वो उस चीज़ के ऊपर मेरा मतलब उस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो था, जिसको मैं काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों से एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे लगता है कि जो भी मैं जानकारी दिया हूँ उससे आप काफ़ी संतुष्ट होंगे, क्योंकि जो भी मुझे पता था जितना मैं कर सकता हूँ वो सारा मैं कोशिश करता हूँ कि दे दूँ। गाइज एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने, आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारी यूजर्स यहाँ पे आ गए, हमने दो यूजर्स को ऑथेंटिकेट किया है, आप सोफोस इंफोटेज और टेस्ट यूजर, ये दो यूजर हमने ऑथेंटिकेट किया, OUITDC infoday.com, ये मेरा पूरा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी प्रकार से जब अपने डोमेन सब कनेक्ट करेंगे, उस डोमेन यूजर्स को जब अपने नेटवर्क में इंटरनेट के लिए VPN के लिए पॉलिसी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे उनके यूजर नेम ID पासवर्ड डिस्प्ले होने लगेंगे। और एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ से आप कोई यूजर्स चाहेगा किसी यूजर्स का पासवर्ड चेंज करना तो कभी नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने ये यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी से लिया हुआ, तो मैं आपको वो भी करके दिखा दूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डालूँ, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, मैं डिफॉल्ट पासवर्ड ही नहीं रखता है ना, हमने ये डाल दिया और हमने इसको सेव कर दिया, लेकिन ये पासवर्ड, सॉरी गाइस, क्योंकि अभी यहाँ पे ईमेल आईडी हमें एक टेस्ट ईमेल आईडी था, उसको हम सेव करेंगे, लेकिन गाइस ये सेव नहीं होगा। क्यों सेव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा यूजर से डोमेन सर्वर से आया हुआ है, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर से, तो इसमें देखिए ना, चेंजिंग पासवर्ड बैक एंड ऑथेंटिकेशन यूजर नॉट अलाउ। तो ये जो अगर इस यूजर्स का हमको पासवर्ड चेंज, हमको डोमेन सर्वर से चेंज करना पड़ेगा, तो ये फायरवॉल से ऑथेंटिकेट हो रहा है, बट फायरवॉल इस यूजर्स का पासवर्ड चेंज कभी नहीं कर सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी से आया हुआ है यूजर है, और एक्टिव डायरेक्टरी में जाके ही हम इसका यूजर पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में गाइज मैं इतना ही आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे आप अपने नेटवर्क में काफ़ी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी इशू होता है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा, और जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना जल्दी आपको रिप्लाई फास्ट करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज चलिए चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।